नमस्कार, मैं सुरेखा सोनी सलूजा आई केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट्स के व्यूज जानेंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासिन कुरैशी। आप कहाँ रहते हैं? मैं MIG कॉलोनी इंदौर में रहता हूँ। एक्चुअल में आई रेटिनोपैथी का जो मैटर था उसके अंदर कहते हैं इंजेक्शन ही लास्ट सोल्यूशन बचा था, इसलिए वो लगाना ज़रूरी था। तो उनके द्वारा भी यही सलाह दी गई कि यहाँ पे वो सुविधाएं अब मुझे सब मिली वर्ल्ड लेवल की, तो यहाँ पे कराने मुझे दिक्कत नहीं आई। कहते हैं यहाँ पे क्योंकि इनका शायद यहाँ पे बनने का चल रहा था, जो पुराना हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल था, तो मैं यहाँ पे अहमदाबाद या चेन्नई जाने की प्लानिंग कर रहा था, पर जब यहाँ पे इस लेवल का हॉस्पिटल मुझे मिल गया तो फिर मैंने यहाँ पे काम करवाना ज़्यादा उचित समझा। मेरी आँखों की सर्जरी 28 तारीख को हुई है, एक हफ्ता हो गया अभी उससे। ऑपरेशन का काफ़ी आराम है अभी। यहाँ पे हर चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जा रहा है, तो वो सब भी चीज़ें ना इस बारे में बहुत ज़्यादा जो कोविड को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए चाहिए आज की तारीख में, वो ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो ये एक अच्छे एडमिशन की निशानी है, जहाँ पे आपको अच्छा इलाज भी मिल रहा है और अच्छी सुविधाएं भी मिल रही हैं। हर तरह की सुविधा के बारे में इसमें ऐसे कह सकते हैं सब। तो अगर ऐसा कुछ भी बोला जाए तो वो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। सभी का नेचर बहुत बढ़िया है और सभी बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं और हर तरह का सहयोग करते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ पे टीम के द्वारा भी जो पूरी टीम है, पूरी समर्पित टीम है, और वो लोग इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि आपके जो डाउट्स हैं उनको पहले क्लियर कर लिया जाए और सब समर्पण के साथ पूरा कार्य हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सलूजा केयर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया टीम डेवलप कर ली है, जो इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि जैसा सलूजा साहब के विचार हैं कि वो अपना हॉस्पिटल को चलाएं जिस प्रकार से, वो पूरा सब कुछ है ना सलूजा साहब की ये टीम दे रही है। थैंक यू।